नमस्कार मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, सभी साथियों, मैं उपखंड अधिकारी डीडवाना आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि किस प्रकार से BRM स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है और किस प्रकार से आपको इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाना ही होगा। देखिए, आप समझिए, ये समय अभी कोरोना संक्रमण का है, पूरा देश पूरी दुनिया इस संक्रमण से लड़ रही है, किंतु फिर भी स्कूल के द्वारा आप सभी को एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत से विद्यार्थियों को लग रहा है कि इन ऑनलाइन क्लासेस से हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हमें पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों को लग रही है कि ये तो छुट्टी का समय है, ये हमारी छुट्टियाँ हैं और हमें बाद में कोर्स करा दिया जाएगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये आपका जो है समय, ये रेगुलर सेशन का ही समय है। सभी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, सभी में अभी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। इस समय को आप सदुपयोग करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके अगले साल टाइम पे ही होंगे। फिर अगर एग्ज़ाम टाइम पे होंगे तो आपको जो अपना रेगुलर सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में आपको समय बहुत कम मिलेगा। कई लोग बोलते हैं, सर ऑनलाइन क्लासेस में हमारी आंखें दर्द होने लग जाती हैं। कई लोग बोलते हैं, सर हमारे को डिसिप्लिन नहीं आता। कई लोग बोलते हैं कि सर हमें स्कूल के अंदर वहाँ क्लासरूम में बैठ के ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ ऑनलाइन मोबाइल में देख के हमें चीज़ें कम समझ में आती हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, आज की तारीख में जो भी लोग RS के लिए तैयारी कर रहे हैं, IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, रेलवेज, बैंक, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी लोग तैयारी कर रहे हैं, वे सभी के सभी, आप मान के चलिए, सभी के सभी ऑनलाइन क्लासेस में ही अपनी तैयारी पूर्ण करते हैं। क्योंकि एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं दूर जाके कोचिंग ले सकें, कोचिंग में रोज़ आना जाना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। दूसरी बात, कई लोगों के पास इतने साधन नहीं होते, इतने साधन संपन्न नहीं होते, इतने पैसे वाले नहीं होते कि वे दिल्ली या जयपुर जैसे बड़े महानगर में जाके किराए का मकान लेके अपनी वहाँ से कोचिंग की पढ़ाई को पूर्ण कर सकें। तो आप ये समझिए कि ऑनलाइन कोचिंग एक तरह से हमारा भविष्य है। आपको आगे चल के ऑनलाइन कोचिंग में ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए ही अपना सिलेबस, अपना सिलेक्शन, अभी तो आप स्कूल में, अभी तो आप 9th, 10th, 11th, 12th करके स्कूल के बाहर जाके कॉलेज में जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, तब आपको विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो IIT हो, चाहे वो आपके IAS हो, चाहे वो RS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अपन कुछ बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस का डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, महत्व मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, ऑनलाइन क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एक तरह से एक आदत में डाल लीजिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदे की बात होती है ऑनलाइन क्लासेस में, आपने 20 मिनट पढ़ाई की, आपने वीडियो ऑन किया, लेक्चर ऑन किया, 20 मिनट आपने लेक्चर देखा, देख लिया आपने, मान के चलिए आप 20 मिनट लेक्चर देखते हैं, 21वें मिनट में आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है या आपका फोकस कम हो रहा है, तो आप 10 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, आप पानी पी के आ सकते हैं, आप थोड़ी सी चाय पी सकते हैं, वापस आके आप अपने लेक्चर को पॉज करने के बाद, पॉज करके चले गए, फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। भाई, जहाँ पे आप लेक्चर छोड़ के गए थे, जिस पॉइंट पे आप लेक्चर छोड़ के गए थे, वहीं से आप अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्री का आपको कोई रूल बताया, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको प्रूव किया, ठीक है, इस तरह की कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इस तरह का कोई आपको समीकरण कोई समझाया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्लास के अंदर 50 बच्चों के अंदर झिझकते हैं हमेशा कि क्या मैं वापस पूछूं, मेरे पड़ोस वाला बच्चा क्या कहेगा, मेरे उधर वाला बच्चा क्या सोचेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, ये तो एकदम ढपोल है, इसको तो समझ में नहीं आता, इसकी तो बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करके, घर बैठे बैठे आराम से रिवाइंड करके, बिना किसी संकोच के आप अपनी टीचर से आसानी से पूछ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक
उपलब्धि आपके लिए होगी कि अगर आप वापस रिवाइज करके उसी कॉन्सेप्ट को बिना झिझक के और बिना अपने पब्लिक, जो कहते हैं ना पब्लिक में सब हमारे को चार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इन सब चीज़ों के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन में। मैं भी अपनी ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन थी, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन थी, कम्प्लीटली जो आईएएस के लिए हम तैयारी करते थे, आरएएस के लिए तैयारी करते थे, उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मैंने कम्प्लीटली ऑनलाइन क्लास ली थी। कम्प्लीटली किसी भी कोचिंग में नहीं गया, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, हैंड रिटन नोट्स भी नहीं लिए हमने। ऐसा नहीं हम किताब के अंदर किताब लेके घूम रहे, सारे दिन किताब पढ़ रहे, ना। ज्योग्राफी में राजतलिन सोलंकी मैडम थी जो आईआरएस हैं अभी, और इकोनॉमिक्स में मृणाल थे, मृणाल सर काफ़ी फेमस हैं वो इकोनॉमिक्स में आईएएस के लिए, तो उनकी ही हमने लेक्चर्स पूरे स्टडी किए थे, उन्हीं से हमने अपने स्वयं के नोट्स बनाए थे। अब मैं आपसे आगे आपसे बात भी करूँगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सेकेंड आती है बात सेल्फ डिसिप्लिन की। मैं तो मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी रिवाइंड करके, पीछे करके, स्पीड को स्लो करके, बोर हो रहे हो तो स्पीड को बढ़ा के, किसी भी प्रकार से आप उस लेक्चर को अपने समझ सकते हैं। एक बार नहीं, उसको 10 बार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आए तो आप मैसेज करके, फ़ोन करके, टीचर से पर्सनली बात करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब आती है बात सेल्फ डिसिप्लिन की, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वयं का डिसिप्लिन, ये चीज़ आपके अंदर इनकलकेट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्वयं के अंदर डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, प्रतिबद्धता नहीं लाएंगे, तो आपको चाहे क्लास में पढ़ा लें, चाहे कोचिंग में पढ़ा लें, चाहे आपको कहीं पे किसी भी प्रकार से पढ़ा लें, आप सक्सेस नहीं पा सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आपका फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस फोकस। फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर वर्ल्ड चलता है। फोकस, जितना आपका हायर फोकस होगा, जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उतना ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पुरानी चीज़ों से उसका लिंक बिठाएंगे, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, जिसके ऊपर आप सवाल हल ना कर पाएं। सेल्फ डिसिप्लिन, राहुल द्रविड़ का उदाहरण देना चाहूँगा। राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर से बहुत कम टैलेंटेड थे, नेचुरल टैलेंट ऐसा नहीं था जैसा सचिन तेंदुलकर के पास है, लेकिन अपने सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी मेहनत के बल पे जो मुकाम राहुल द्रविड़ ने छुआ है, वो अन्य किसी क्रिकेटर ने आज इस धरती पे नहीं छुआ है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के मामले में। सेल्फ डिसिप्लिन से मैं ये कहूँगा आपको, आप अपने पढ़ाई के घंटे फिक्स करें। सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, आप 5 बजे उठें। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठें। अपनी एक दिनचर्या को फिक्स करें, उसी दिनचर्या के हिसाब से आप, उसी डिसिप्लिन के हिसाब से आप पूरी दिनचर्या को चलाएं। अगर आप उठ के 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप उसको, उस पीरियड को केवल केवल अध्ययन के लिए रखें। ऐसा नहीं हो कि आप थोड़ी सी देर पढ़ लिए, फिर खेल लिए, आज मैं शादी में चला गया, आज मैं रिश्तेदार आ गए, नहीं, ये सब नहीं। आप एक पर्टिकुलर टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इसको फिक्स करें, फिर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी लें, प्लस अपने साथ में अपने सप्लीमेंट्री बुक्स, नोट्स वगैरह, उनको भी इस्तेमाल करें। आगे मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लासेस में आप मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर सुबह मेरे घर पे बहुत भीड़ रहती है, हमारे बिजनेस है, लोग आते जाते रहते हैं, सुबह वो रिश्तेदार आ गया, शाम को वो रिश्तेदार आ गया, रात को आप फ्री रहते हो? हाँ सर, रात को फ्री रहते हैं हम, रात को किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 9 बजे के बाद हमारे घर वाले सो जाते हैं, तो आप रख लीजिए, आप 9 से 10 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए रात को। ये 9 से 10 बजे आप अपनी वीडियो देखेंगे, वीडियो के साथ में इस पॉइंट को भी इसके साथ क्लब कर लेना, किसी भी समय पढ़ाई, ठीक है। वीडियो के साथ में आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेंसिल साथ में रखेंगे, ठीक है। आप इसको हमेशा एक पॉइंट बना के रखें, वीडियो जैसे जैसे चल रहा होगा, साथ में कॉपी और अपनी पेंसिल और किताब, तीनों चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। हाथ के अंदर पेन, सामने कॉपी,
कोई भी कॉन्सेप्ट आया तुरंत लिखा, जैसे क्लास में लिखते ना कोई भी बात बताई तुरंत अपने नोट कर ली, वीडियो को भले ही पॉज कर दें, उसको मनन करें, ठीक है। आज सपोज मैं कोई सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, सपोज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, तो आपने तुरंत अपनी कॉपी में सारा प्रूफ एज इट इज खुद से बिना देखे आपने प्रैक्टिस किया, समझ गए। आपने अपने समय का सदुपयोग किसी भी समय पढ़ाई के साथ में लेते हुए, आप भले रात को 9 से 10 आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सारे अपने सो गए, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, कोई बाहर आवाज़ नहीं आ रही, कोई पड़ोसी नहीं शोर मचा रहा, कोई भी इंसान आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप इस समय में अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करके साथ में कॉपी पेन पेंसिल किताब रखते हुए नोट्स बनाएंगे और इस पूरे एक घंटे में फोकस सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में आप अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे। फिर आपको समय मिला सुबह, सर 5 बजे से 6 बजे तक मेरे घर में बहुत शांति रहती है, एएम लिख दो, सुबह 5 से 6 बजे तक मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, मैं एकदम फ्री रहता हूँ, फ्रेश माइंड से रहता हूँ, आप सुबह फिर से उठ के दूसरा सब्जेक्ट अपना पढ़ें, इसी तरह से नोट्स बनाएं। ये सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस बहुत ज़रूरी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें आपको किसी भी तरह की, जब आप रेगुलर क्लास लेने आएंगे, जो क्लासेस थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगी, बहुत जल्दी जल्दी आपको सिलेबस कराया जाएगा, तो उसमें आपको एक तरह का वो रिविज़न होगा, दैट विल बी लाइक अ रिविज़न। एक बार आप कर लेंगे सारा कोर्स, वो एक केवल आपके लिए रिविज़न होगा कि हमने पढ़ चुके हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, तो आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ और डबल आपके एनर्जी के साथ और जोश के साथ आप क्लास के अंदर बैठ के रिवाइज कर पाएंगे। आपकी जो मार्क्स, मान लो कि आपके 90 मार्क्स आ रहे थे, मान लीजिए कि सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ रहे थे, वो केवल इस पार्ट की वजह से, रिविजन की वजह से ये बढ़ के कितने हो जाएंगे, 95 से 99 मार्क्स, 100% ये इसके आसपास हो जाएंगे, 100 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें फोकस करना है रिविजन पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कहूँगा, ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा, आप किसी भी समय कैसे भी किसी भी टाइम पे रेगुलरली आप रिविज़न कर सकते हैं, निरंतर आप रिवाइज चीज़ों को कर सकते हैं किसी भी समय। मान लीजिए आप सुबह उठे, मेरी आदत थी, मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठता था मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, हमें आईएएस की तैयारी में, आरएएस की तैयारी में न्यूज़पेपर को रेगुलरली हमें बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ता था, नोट्स बनाने पड़ते थे न्यूज़पेपर से। मैं मान लीजिए 8 बजे उठता था, तो मैं 8 बजे उठते ही सबसे पहला काम फ्रेश होने के साथ न्यूज़पेपर, चाय, दोनों एक साथ अगले आधे घंटे में सारे न्यूज़पेपर का अध्ययन करके नोट्स बना लिए। फिर अगले आधे घंटे में एक और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने होते थे हमें, सबके नोट्स बना लिए तुरंत ही, हाथ के हाथ लगे हाथ फटाफट। फिर 9 से लेकर के 10:30 बजे 11 बजे तक मैं ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ता था, मैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, 11 बजे के बाद मैं फिर रेगुलर अपना कोई एग्जाम देना, टेस्ट देना, इस तरह के कार्य करता था। तो ये निरंतर रिवीजन वाला जो पार्ट है, ये आपकी मार्क्स जो हैं, जितने मार्क्स आएंगे उसको हमेशा +10% +20% ही बढ़ाएगा, ये कभी आपके मार्क्स को कम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपने अपना 90% सिलेबस कवर कर लिया, तो मैं आपसे कहूँगा इस 90% को आप कम से कम 3 बार रिवाइज पक्का से करें। रिविज़न आपको कैसे करना है, मान लीजिए आज आपने कुछ नई बात पढ़ी, आज पढ़ ली आपने, पहले 24 घंटे दिमाग उसको प्रोसेस करता है, अब नेक्स्ट रिविज़न कब होगा, अगले दिन, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर ठीक 24 घंटे के बाद अगला रिविज़न, फटाफट आपने उस चीज़ को वापस रिवाइज कर लिया। उसका अगला रिविज़न होगा अपना 7वें दिन, ठीक 7 दिन के बाद हो गया। अब तीसरा रिविज़न कब होगा, 1 महीने के बाद, कंप्लीट 1 महीने के बाद। आप अपनी डायरी रखिए, डायरी में लिखिए आज मान लीजिए 22 तारीख है, ठीक है, 22/7/2020 है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मान लो ट्रायंगल्स पढ़ा आपने, ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक 1 दिन बाद आप क्या करेंगे, 23/7/2020 में आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे फर्स्ट रिविजन, ठीक है। फिर आप ठीक इसके 7 दिन बाद मतलब 29/7/2020 में रिवाइज 1
यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिवीजन नंबर टू। इसके ठीक एक माह बाद, एक महीने बाद, मतलब कितना हो गया 30 दिन बाद, 21 तारीख हो गई, 21/8/2020 में रिवीजन नंबर 3। तो आप इस तरह से 3 रिवीजन कर लेंगे, मैं नहीं मानता हूँ आपको एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप फेस करेंगे या किसी भी समस्या से आप ग्रसित रहेंगे। 3 रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ होती है। और आप जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतनी हमारी मेमोरी के अंदर, एक्चुअली मेमोरी हमारी एसोसिएटिव होती है, तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ फ्रेश होगी। आपके जो कनेक्शंस होते हैं ना मेमोरी में, न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं, उससे आपकी मेमोराइज होती है चीज़ें और वो एसोसिएट होती हैं आपस में, समझ रहे हो। हमेशा आपको बताऊंगा, एक लेक्चर लूंगा मैं मेमोरी पे, तो आप पता पड़ेगा आपको मेमोरी किस तरह काम होती है, किस तरह से काम करती है, आप किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ होती है सिलेबस याद करना, बड़ी बड़ी चीज़ें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। कई इसमें टेक्निक्स होती हैं, कई मेथड्स होते हैं, तो मैं एक क्लास लूँगा आपके लिए, उसमें आप समझ पाएंगे किस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़, कितनी मुश्किल हो, कोई भी टॉपिक कितना ही मुश्किल हो, आप आसानी से उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज आप इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट रिविजन एक दिन के बाद, सेकेंड रिविजन 7 दिन, ठीक 7वें दिन, और एक महीने के बाद थर्ड रिविजन, ठीक है। ये आपको हमेशा निरंतर रिविजन के ऊपर फोकस करना है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम 100% सिलेबस कर लें या उसको रिवाइज भी करें। बिना रिवीजन के आपका किया हुआ सिलेबस आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चीज़ें आधी अधूरी याद रहेंगी। आप आधी अधूरी चीज़ें लिखे होगे तो 10 नंबर के सवाल में आपको 5 या 6 नंबर से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप 5 से 4 नंबर लूज कर जाएंगे, समझ गए इस बात को। आखिरी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया, किसी भी समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो ये वाला पार्ट है, कॉन्स्टेंट रिविजन, निरंतर रिविजन वाला, अगर आप आज से नहीं पढ़ेंगे, आज से आप नहीं अपनी पढ़ाई करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन स्टडीज़ हो, अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी। आपके पास समय नहीं रहेगा, समय तो लिमिटेड है भाई, समय तो आपका चला जाएगा फिर, आज समझ रहे हैं आप। आप कॉन्स्टेंट रिवाइज कर ही नहीं सकते हो, निरंतर रिवाइज ही नहीं कर सकते हो आप, 3 रिविजन ही नहीं होंगे आपके। आखिरी महीने पहुँचोगे, पता पड़ा आपका 30% सिलेबस तो आपने कवर ही नहीं किया। आप कहोगे साहब मेरा एग्जाम 15 दिन बाद है और ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा मैंने। जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो आप फिर 1, 2, 3 रिवीजन कैसे करोगे, वो तो जीरो पे रह जाएगा। आपकी समस्या हो जाएगी साहब मैं टॉपिक पढ़ूं कि उसको रिवाइज करूं, समस्या आपकी हो जाएगी साहब नया टॉपिक पढ़ूं कि पुराने वाले को उसका अभ्यास करूं मैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आप सभी से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आज ही से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लें, सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करें, कोई भी समस्या आती है आप उस समस्या को स्कूल वालों को अवगत कराएं। इसी के साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि आप लोग अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को भी सीरियसली लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।